गवर्नमेंट पैसा को क्यों अननेसेसरी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ब्लॉक में पैसा रुपया एंगेज करके धरना करा रहा है या नाटकबाजी करा रहा है, ये है मेन मुद्दा। कभी कभी लगता है, बहुत हंसी की बात है, कभी कभी सीरियस होना भी पड़ता है, हम लोग को भी यहाँ पे आने पे मजबूर कर देता है। बात ऐसा है, बीजेपी वालों जब से आया सेंटर में, छोटा छोटा इशू को बड़ा बड़ा इशू बना के देश को गुमराह कर रहा है। वही चीज अभी मान लो कुछ दिन से उधर तवांग इशू चल रहा था, इशू नहीं है, जबरदस्ती इशू बनाया सेंटर का मॉडल को इधर लेके, जस्ट एग्जाम्पल साइड कर। तो अभी उस दिन सैटरडे को देखा, काला दिवस मना रहा, किस लिए बोल के पता किया तो इमरजेंसी को लेके, इमरजेंसी जरूर हुआ, हुई तो एग्रीड है, हम लोग एग्री कर रहे हैं इमरजेंसी तो जरूर हुआ, लेकिन इमरजेंसी हुआ जरूर, सिचुएशन कॉम्पेल था उन्हें दिया। जब इमरजेंसी लागू हुआ, शायद आप में से बहुत दुखी जन्म ले लेंगे, हम में से बहुत दुखी जन्म ले लेंगे, ऐसे ऐसे चीजों को कुरेक के निकालते हैं जो है आज का दिन में इरिलेवेंट है। फिर भी जब आप काला दिवस मना सकता है तो इंदिरा गांधी एक ऐसा देवी है, ऐसा नेता है, अतुल बिहारी वाजपेयी ने खुद पार्लियामेंट में खड़ा करके कहा, मैं तो इंदिरा जी को जब भी देखता हूं देव दुर्गा की रूप में देखता हूं। और जिसने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए, आज एक टुकड़े को बांग्लादेश का नाम भी जानता है, जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया देश में, जिसने प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइज किया, जिसने एटम बम बनाने का, न्यूक्लियर पावर लाने का योजना शुरू किया, इस्माइल गुड्डा आप सबको मालूम है, जिसने स्पेस में पहली बार इंडिया से किसी को भेजा। अरे जब आप वाई वाई भी तो कीजिए ना, उसका अचीवमेंट को भी गिनिए। ये आज का मुद्दा, चलो इस पे भी हम इतना नहीं चलते हैं, आज का मुद्दा ये है, जब आप इमरजेंसी को काला दिवस अगर मनाना चाहता है तो आप जिस दिन फादर ऑफ नेशन को नथुराम गोडसे ने मारा, आरएसएस के एक केदार ने, उसको मनाइए, देश का साथ मनाइए, हम उसको भी शामिल होंगे जरूर, जिसने फादर ऑफ नेशन को गोली मार दिया उसको मनाइए, उसको आप फिर फूल मारा चला के धूप काती अगरबत्ती जला के पूजा कर रहे हैं, ये ऐसा जुमलाबाजी ऐसा नौटंकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ब्लैक डे मनाना ही है तो उसको छोड़िए ना, 1975 1950 1980 का बात छोड़िए, ये 8 साल में किया उसको भी तो मनाइए। डिमोनेटाइजेशन लाया, किसी को पैदा हुआ क्या आज तक? लाइन पे खड़ा होकर बहुत दूर मर गए। आज देश डिमोनेटाइजेशन का वजह से आज तक देश का इकोनॉमी नहीं उभर पाया, उसको मनाइए। आपने 2020 को फार्म बिल लाया, 500 से ज्यादा फार्मर शहीद हो गए, उसको मनाइए, है कि नहीं? मुद्दा भी तो आइए। या आप मनाना है तो पहले भी बोल दें, नोटबंदी को मना क्यों नहीं मना रहा? या उससे भी ज्यादा कुछ करना है तो वीर सावरकर का मार्सी पिटीशन को तो ढूंढ के निकाल के उसको मनाइए, काला दिवस मनाइए।
हम लोग का कहने का मतलब जो चीज मुद्दा नहीं है, सिंपल बात है, पहले बता दिया तो, जो चीज मुद्दा नहीं है उसको क्यों जबरदस्ती मुद्दा बना रहा है, जो चीज इरिलेवेंट है वो चीज को क्यों बार बार ला रहा है, गवर्नमेंट पैसा को क्यों अननेसेसरी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ब्लॉक में पैसा रुपया एंगेज करके धरना करा रहा है या नाटकबाजी करा रहा है, ये है मेन मुद्दा। तो अभी हम लोग का मांग ये है, हम लोग का अपील ये है बीजेपी का स्टेट यूनिट को भी, आप करना है तो अभी स्टेट का देश का छोड़िए, अभी स्टेट पे आता है, स्टेट का रोड कंडीशन कैपिटल से शुरू करके हर डिस्ट्रिक्ट को जाइए, देखिए करप्शन लेवल को अभी देखिए, बहुत प्राइवेट पार्टी ने तो केस भी टूट दिए है कि नहीं, अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है उस पर ध्यान दीजिए गवर्नमेंट, और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है ही, कहीं कहीं किसी किसी के लाशें मिल जाते हैं, कोई कोई लड़कियां गायब हो रहा है, वो सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो जो इरिलेवेंट चीज है वो सब चीज को जिंदा पूरे पूरे के निकाल के जिंदा करके जितना यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, जितना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं तो पब्लिक का पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का मशीनरी भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी, गवर्नमेंट का मशीनरी को पब्लिक का मशीनरी को ऐसा वेस्ट करना है अननेसेसरी चीज है, हम लोग का वही है, ये सब ना करें, जब आप देश को चला रहे हैं, जब आप स्टेट को चला रहे हैं ढंग से चलाइए, चलाना नहीं आता है तो या छोड़ दीजिए। कभी कभी लगता है बीजेपी वालों ने 8 साल तो गवर्नमेंट चला लिया लेकिन अभी तो गवर्नमेंट चलाना नहीं सीखा है, अभी भी कुछ ऑपोजिशन का मूड में है, उन्होंने खुद गवर्नमेंट में है लेकिन ऑपोजिशन का मूड में चल रहा है ऐसा लगता है, इसलिए वही आप जैसे आपका अभी पूछा, इस पे कोई मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा नहीं है मुद्दा मत बनाओ।